और कुछ टाइम बाद हमारे रुद्रप्रयाग में भी ट्रेन आ जाएगी। अगर आपने अभी तक हिमाचल का टूर नहीं देखा हमारा, तो अलग से प्लेलिस्ट है हिमाचल ट्रिप, तो आप वहाँ पे सारी वीडियोस देख सकते हैं पहले दिन से हमारी। बाय गाइस, बाय बाय, बस आए, कुछ कहना चाहोगे? बाय बाय। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसा आप सब लोग, मैं हूँ रोहित और स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सो भाई यार, आप सोच रहे होंगे अभी कहाँ ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है, तो अभी मैं हूँ हिमाचल में, एक जगह पड़ती है बद्दी, तो हम सीधा अटल टनल से घूम के आए और ब्लॉग लंबा हो गया था, इसीलिए मैंने इसको अगले ब्लॉग में कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पर बारिश लगना स्टार्ट हो चुकी है और अभी मैं हूँ बद्दी में, और इसके आगे है चंडीगढ़ और उसके बाद हम देहरादून चले जाएंगे। तो अभी 12 बज रहे हैं, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं अपना डिनर और उसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे, रेस्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम आज सुबह 11 बजे से चल ही रहे हैं। मतलब पहले हम अटल टनल होके गए, फिर केलोंग वैली गए जो लद्दाख का रास्ता पड़ता है, उस वाली रोड पे हम गए, फिर रोहतांग पास के लिए गए आधा, और आधे से हम वापस आ गए और अटल टनल घूम के और सीधा मनाली होते हुए और सीधा मंडी, और अब यहाँ आ गए बद्दी, एक जगह पड़ती है हिमाचल में। तो फिलहाल यहाँ पे डिनर करते हैं उसके। तो गाइस 12:15 पे हमारा खाना हो रहा है यहाँ पे बद्दी में। सो गाइस फिलहाल हमने खाना खा लिया और अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे रास्ते में। अभी हम घूमते रहेंगे, मतलब हमारा प्लान है कि हम रेस्ट करते हुए जाएंगे और ब्रेक लेते हुए जाएंगे, तो जहाँ जहाँ पे ब्रेक लेंगे तो देखिए। और ये रेस स्टार्ट होती हुई, और अभी डाल दिया पहला गियर खट, दूसरा गियर, तीसरा गियर और चौथा गियर, हम कुछ ही देर में होंगे सबसे आगे। बस बस जीत गए हम। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं नान, और अभी हम पहुंचने वाले हैं पौंटा साहिब, और वहां से तो देहरादून बहुत पास है। तो भाई वैसे हम सो रहे थे चंडीगढ़ में, सोए आधा एक घंटा सोए, और उसके बाद चलने लग गए। अभी हम नान में पहुंच चुके हैं और पौंटा साहिब आएगा, फिर हम देहरादून पहुंच जाएंगे। ये मोंटी भैया तो उठे हैं भैया। सो गाइस ये है चंदू भैया, और ये हमारे होटल वगैरह देखते हैं, और अभी ये सो रहे हैं। सो गाइस ये अभी सो रखे हैं, सबसे ज़्यादा चंदू भैया सोते हैं, बाकी भैया तो पूरी रात ड्राइव कर रहे थे, तो बहुत हैवी ड्राइवर है। सो गाइस अब यहाँ पे पीते हैं कड़क चाय और उसके बाद निकलते हैं। गाड़ी की हालत देख सकते हैं आप। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं देहरादून, और हम हैं अभी चंदू भैया के घर के बाहर पे, और बस यहाँ पे चंदू भैया को उतारेंगे उनका सामान वामन, और मोंटी भैया भी यहीं पे उतरेंगे। तो फाइनली 6:10 पे हम चंदू भैया के घर में पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं अब सामान उतारते हैं, नींद तो आप देख सकते हैं नींद बहुत आ रही है, थोड़ा आराम करेंगे उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। तो सारा सामान है सबने पकड़ रखा है। सो गाइस हम चंदू भैया के घर पे आ चुके हैं, और ये सामान देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली हम चंदू भैया के रूम से अब जा रहे हैं हम अपने घर को, और चंदू भैया और मोंटी भैया यहीं पे हैं, देख सकते हैं आप। बाय गाइस, बाय बाय, बस आए, कुछ कहना चाहोगे? बाय बाय। जब बेइज्जती है। सो गाइस फाइनली हम चंदू भैया के रूम से निकल चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं दीदी के रूम पे, भैया का कुछ काम है वहाँ से सामान वामान लेना है, और उसके बाद सीधा हम दोनों निकल जाएंगे रुद्रप्रयाग की तरफ। तो देखो और सुबह भी हो चुकी है, तो फिलहाल हम चलते हैं, और मतलब कल लगा लो कल 11 बजे से हम गाड़ी चला रहे हैं,
और सुबह की, और अभी तक भी चल ही रहे हैं। तो भैया मान गए भैया की ड्राइविंग। तो अभी चलते हैं हम, अभी हम प्रेमनगर से जा रहे हैं कारगिल देहरादून। सो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं दीदी के रूम पे, और यहाँ पे हम तैयार वैयार होके और सीधे अपने घर निकल जाएंगे रुद्रप्रयाग में। और भैया बहुत खतरनाक सफर था यार हमारा। अगर आपने अभी तक हिमाचल का टूर नहीं देखा हमारा, तो अलग से प्लेलिस्ट है हिमाचल ट्रिप, तो आप वहाँ पे सारी वीडियोस देख सकते हैं पहले दिन से हमारी, डे 1 डे 2, तो देख लेना आप। सो गाइस फिलहाल हम निकल चुके हैं देहरादून से, और अब हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग अपने घर की तरफ। तो अभी बस मैं और भैया हैं, बाकी मोंटी भैया और चंदू भैया वो अपने घर और हम दोनों अपने घर। तो अभी हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग। तो अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, अभी तक हम दीदी के रूम पे थे और अब काम निपटा के और अब जा रहे हैं। और कुछ टाइम बाद हमारे रुद्रप्रयाग में भी ट्रेन आ जाएगी, तो उसका काम चल ही रहा है जैसे कि आपको पता है सारे जगह। तो दोस्तों आज है दिवाली और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको छोटी दिवाली की। तो ऋषिकेश की चहल पहल देखिए आप, बहुत सुंदर लग रहा है अभी। सो गाइस अभी हम हैं तीन धारा में, यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं और बड़ी भूख लग गई थी सुबह से, तो अब यहाँ पे खा रहे हैं उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस फिलहाल हमने खाना खा लिया है और अब चलते हैं हम। तो अभी हम हैं तीन धारा, जो कि फेमस जगह है, जब भी आप केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे जाते हो तो बीच में पड़ता है तीन धारा, यहाँ पे फेमस दुकान है, खाना वगैरह सब कुछ मिलता है। तो अभी चलते हैं और देखिए आगे। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।